सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा को स्वागत करता हूं आप सभी जेनेविटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, यहां हम बात करने वाले कि कैसे आप व्हाट्सएप से ब्लू टिक को हाइड करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आप जब भी किसी को चैटिंग पे मैसेज भेजते हैं, चैट करते वक्त या कोई भी मैसेज भेजते हैं, तो वहां पर अचानक से ब्लू टिक का साइन आ जाता है, यानी ये चैट रीड हो चुकी है। या फिर मान लीजिए किसी ने आपको मैसेज भेजा तो उसको पता चल जाता है कि यार ये जो मैसेजेस है मेरे रीड हो चुके हैं, तो वहां पर ब्लू टिक का साइन शो हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लू टिक का साइन है वो वहां से हाइड कर दे या फिर रिमूव कर दे, वो दिखे नहीं किसी को कि यार ब्लू टिक हुआ भी है नहीं, तो कैसे आप ब्लू टिक को हाइड कर सकते हैं, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही दोस्तों, मैं आने वाली वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आपको वन टिक शो करना है। अगर मैसेज रीड भी कर लेते हैं आप तब भी वन टिक के वहां पर शो होगा, तो आइए शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कर लेंगे और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे वीडियो दिखते रहेंगे आपके चैनल के अंदर। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं जैसा कि मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम बात करने वाले कि कैसे आप मोबाइल में जब भी आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो वहाँ पे आपको ब्लू टिक दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आप मैसेज रीड कर लेते हैं तो कैसे आप सामने वाले की तरफ से ब्लू टिक को हाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने उसका मैसेज रीड भी कर लिया है तो उसे ब्लू टिक ना दिखे। अब दोस्तों, जैसे कि मैं मोबाइल के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको व्हाट्सअप पर जाना है। व्हाट्सअप पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, जैसे दोस्तों सेटिंग के ऊपर जाते हैं अपने व्हाट्सएप की, वहां पे आपको एक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, यहां पे आपको अकाउंट के ऊपर जाना होगा। अकाउंट पे जाने के बाद में ये प्राइवेसी है तो यहां पे प्राइवेसी के ऊपर जाना है। दोस्तों, आपको प्राइवेसी पे जाने के बाद में आपको ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों यहां पे रीड रिसिप्ट का। आपको यहां पे जैसे ब्लू टिक का हम बात करते हैं ब्लू टिक की, तो यहां पे कोई ब्लू टिक के नाम से ऑप्शन नहीं मिलता। काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, चेक करते रहते हैं कैसे हमें हाइड करना है। यहां पे आपको ब्लू टिक के नाम से नहीं है, आपको रीड रिसिप्ट के नाम से मिलेगा। आपको रीड रिसिप्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करके इसे हटा देते हैं दोस्तों, उसके बाद में मान लीजिए जैसे भी आपका जो मैसेज है वो आप वहां सेंड करते हैं, या तो आपको या फिर आप मान लीजिए मैसेज को रीड कर लेते हैं, तो इस केसेस में आपको ब्लू टिक दोनों ही केसेस में अवेलेबल नहीं होगा, ना ही उसको दिखेगा सामने वाले को। तो उसको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने मैसेज नहीं रीड किया है। चाहे आप मैसेज रीड भी कर लेंगे तब भी वो पेंडिंग में ही रहेगा। दोस्तों, तो इस तरह से आप यहां से इस टिक को हटा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि डबल टिक भी आप हटा दीजिए, केवल एक ही टिक वहां पर शो उसके सामने, तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो मैंने बना रखा है। आप चाहे तो मेरे इस ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो दिख जाए और मेरे प्लेलिस्ट में चल जाएगा, वहां पे आपको वीडियो दिख जाएगा, या मेरे चैनल में देख लीजिएगा, आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। दोस्तों,